खैरात लेने आ गए मंगते तुम्हारे ख्वाजा, भर दीजिए दामन मुरादों से हमारे ख्वाजा। कोई जाए तो कहाँ जाए दरे ख्वाजा को छोड़कर, ख्वाजा की चौखट ख्वाजा का दर मंगतों का ठिकाना है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपके अपने अनवर हुसैन खलीफा यूट्यूब चैनल पर आज सिहाब चातुर के हवाले से मुख्तसर जानकारी और खुशखबर सुने। लगभग सभी लोगों को पता है कि कल तारीख 14 अगस्त सिहाब चातुर नसीराबाद में थे और कल ही नसीराबाद से पैदल सफ़र करते हुए अजमेर शरीफ में आ पहुँचे। दोस्तों, सिहाब चातुर के हवाले से लाइव और मुख्तसर जानकारी ये है कि सिहाब चातुर कल की रात अजमेर शरीफ में एंटर हो गए थे। इस वक्त भी अजमेर में हैं और अजमेर नगर की एक होटल सुकासा में रुके हैं। मजीद ये कि कल शाम के वक्त जब सिहाब भाई अजमेर शहर में एंटर हुए, तब अजमेर के लोगों द्वारा अजीम व शान इस्तकबाल किया गया। न जाने कितनी दूरी तक पूरे रास्ते में फूल बिछाए गए और अब तक के सबसे बेहतरीन तरीके से लोगों की मोहब्बत देखने मिली। कल की रात सिहाब ने सुकासा होटल में आराम किया और आज सुबह के वक्त सिहाब चातुर के ऑफिशियल चैनल पर सिहाब की जानिब से एक वीडियो अपलोड हुआ, जिसमें सिहाब तमिल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। सिहाब ने कहा कि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अजमेर में हैं। वैसे तो अजमेर शहर सिहाब के रूट में शामिल नहीं था, लेकिन सिहाब चातुर को कल ही के दिन अजमेर दरगाह पर हाजिरी देते हुए पैदल सफ़र को बढ़ाने की इच्छा हुई। इस वजह से इन लोगों ने डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट की, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से खुशी खुशी सिहाब के लिए इंतज़ाम किया गया, सिक्योरिटी और होटल बंदोबस्त किया गया। इस पूरे सपोर्ट के लिए सिहाब टीम ने प्रशासन का शुक्रिया अदा किया और अब इंशाअल्लाह 2 दिन सिहाब चातुर अजमेर में रुकेंगे। सिहाब ने कहा कि इंशाअल्लाह कैसे भी करके सिहाब अजमेर दरगाह में हाजिरी देंगे। अजमेर में लोगों की भीड़ जमा न हो जाए, इसका भी सबको ध्यान रखना होगा। ये पूरी बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि इस सफ़र को आज 75 दिन पूरे हुए हैं और करीब 2250 किलोमीटर पैदल चलते हुए अजमेर तक पहुंचे हैं। सिहाब भाई ने कहा कि अब तक अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सेहत बिल्कुल तंदुरुस्त है और इस सफ़र को पूरा करने का जज्बा हमेशा कायम रहेगा। ऐसी अल्लाह से दुआ करते हुए सिहाब भाई ने सभी लोगों से दुआ करने की अपील की है। आप भी इस जज्बाए कलंदराना नेक नियती शख्स सिहाब चातुर के लिए दुआ करें कि अल्लाह इन्हें मजीद हिम्मत दे, अल्लाह इनका सफ़र आसान फरमाए और अपने घर का दीदार नसीब फरमाए। और दोस्तों, सिहाब चातुर की तारीफ में हम एक ज़बरदस्त वीडियो इस चैनल पर अपलोड करने वाले हैं, आप देखना ना भूलें। और अजमेर शरीफ दरगाह में जैसे ही सिहाब चातुर हाजिरी देंगे, वो वीडियो भी इंशाअल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे इस चैनल से जुड़कर रहें, नोटिफिकेशन ऑल पर रखें और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाहु खैरा, अस्सलामु अलैकुम।